वेलकम टू अनदर ह्यूज ओवरसाइज यूनिसेक्स टी शर्ट हॉल वीडियो फ्रॉम अमेजोन। सारे टी शर्ट 399 के अंडर में एंड आई एम श्योर यू गोना लव दिस हॉल वीडियो सो मच, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले टी शर्ट ना मैं वियर्डो की टी शर्ट से स्टार्ट करूँ बिकॉज वियर्डो इज माई वन ऑफ फेवरेट ब्रांड जो की अमेजोन पे है। ये वाला जो टी शर्ट है ना, इसका साइज मैंने लार्ज ले रखा है बट मुझे ना साइज स्मॉल वियर्डो को ना अच्छे से फिट आता है, परफेक्टली ओवरसाइज होता है, बट उस समय वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने लार्ज कर दिया। अब मेरा ब्रदर पहनेगा, कभी कभी मैं भी पहन लेती हूँ। मैंने इसे ब्राउन कलर की जीन्स के साथ में स्टाइल किया था एंड इट लुक सो गुड। इसका प्रिंट भी देख सकते हैं, प्रिंट की क्वालिटी ना काफी वॉश के बाद भी नहीं जाती जितने मेरे पास वियर्डो के टी शर्ट है, ऐसा उनके साथ तो हुआ है। एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इसके ऊपर ना गो वियर्ड विद वियर्डो कोटेशन लिखा हुआ है एंड दिस वन वॉज फॉर 379 रुपीज एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड ओवरऑल लुक ऑफ दिस टी शर्ट। नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड वियर्डो एंड इसे भी अगेन मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज में ले रखा है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका सेम टाइप है मेरे जैसा तो आप स्मॉल साइज पिक करना, मुझे अपने ब्रदर्स को देना है इस वजह से लिया। एंड इसका जो प्रिंट है ना, ओ माय गॉड, इतना चंकी ब्राइट समरी सा प्रिंट है, मल्टी कलर का प्रिंट है, बीच बीच में छोटे छोटे कोटेशन है, इसके ऊपर ब्लीवर लिखा है, लाइक यू कैन सी। ये इसका जो प्रिंट है ना अलग ही बहुत ही डिफरेंट है, चिपचिपा सा स्टिकी सा बिल्कुल प्रिंट नहीं है, बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसके ऊपर, लाइक यू कैन सी। मुझे ना ऐसे चंकी ब्राइट से कलर ना बड़े पसंद आते, काफी लोगों को इतना ज्यादा प्रिंट पसंद नहीं आता बट मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, काफी सारे जो व्हाइट टी शर्ट होते हैं ना उनकी जो उनका जो फैब्रिक होता है ना वो सी थ्रू होता है, बट इसका सी थ्रू नहीं है, इसके अंदर में आपको एक्स्ट्रा लेयरिंग या फिर टैंक टॉप वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। एंड दिस इज द ओनली टी शर्ट जिसका प्राइस 419 रुपीज है, बाकी जितने सारे टी शर्ट है ना वो 399 के अंडर में है। सो एक ये अलग सा नाम मैंने देखा ट्रिलियन, इस ब्रांड का टी शर्ट मैंने अभी से पहले ट्राई नहीं किया था एंड टू माई सरप्राइज ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फैब्रिक इसका कंफर्टेबल ब्रीथेबल है, कॉटन का है एंड थिक है, बिल्कुल लाइट एंड सी थ्रू नहीं है, बट इसका प्रिंट लाइक यू कैन सी इसके ऊपर पावर पफ गर्ल वाला प्रिंट है, बहुत ही अच्छा सा प्रिंट है, थोड़ा स्लिपरी सा प्रिंट है बट स्टिकी नहीं है। क्या होता है वियर्डो के जो टी शर्ट होते हैं ना उसका प्रिंट ना ऐसा लगता है कि फैब्रिक के अंदर ही मैच कर गया, इसका थोड़ा ये तो काफी कंफर्टेबल सा, ये थोड़ा स्लिपरी सा प्रिंट है इसका, बट बहुत ही प्यारा प्रिंट है, मुझे नहीं लगता कि सेवरल वॉश के बाद में ये जाएगा। इसका जो शोल्डर है ना बिल्कुल ड्रॉप शोल्डर जैसा नहीं है और जो साइज टी शर्ट होते हैं बिल्कुल यहाँ तक होते हैं और उनकी लेंथ एंड विड्थ भी बहुत ज्यादा फैली सी होती है। इसकी ना लेंथ तो काफी ओवर साइज की है बट विड्थ ना इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी फिट सी आ जा रही है, तो जैसे हम आगे वो लुक करते हैं ना ऐसे नीचे गिरा के वो इतना अच्छे से बन नहीं पा रहा है। एंड आई गेस ये अगेन 399 रुपीज का था। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि अमेजोन मीशो एंड जितने भी अदर वेबसाइट्स हैं ना वहाँ पे आपको कॉम्बो में टी शर्ट वाले ऑफर देखने को मिल रहे होंगे, तो अमेजोन पे भी काफी सारे टी शर्ट थे जो कॉम्बो में थे, तो मैंने ना ये दो लिया है। इनका प्राइस 540 समथिंग रुपीज था, सो बेसिकली 270 समथिंग रुपीज आ रहा था, मैं एक्जैक्टली मेंशन कर दूंगी। सो फर्स्ट वन इज दिस, ये ब्लैक कलर का ओवर साइज टी शर्ट, इसका ना प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो हाँ ये काफी सही है। इसकी भी क्वालिटी, जितने भी ओवरसाइज टी शर्ट है ना ये वो प्लास्टिक से एंड सिंथेटिक सा जो फैब्रिक होता है ना उसके नहीं है, प्योर कॉटन फैब्रिक का ये, बट इसका जो प्रिंट है ना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है एंड इसका जो क्वालिटी है ना बहुत वॉश के बाद मैंने इनके ऊपर ना रोए रोए से आ जाएंगे, ऐसी मुझे क्वालिटी लग रही है। बट अगर प्राइस कंपेयर में बात करी जाए तो दिस वन इज क्वाइट नाइस। ये है फर्स्ट वन, दिस इज इन ब्लैक कलर। ये वाला जो व्हाइट है ना इन दोनों को ना मैंने साइज मीडियम में ले रखा है, इसका जो क्वालिटी है ना थोड़ा सा सी थ्रू है, देन अगेन मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा एकदम सुपर क्वालिटी नहीं है बट प्राइस के अकॉर्डिंग में सही है ये एंड बहुत ही सिंपल बेसिक्स है, किसी भी कैजुअल जींस के साथ में आप स्टाइल करके कॉलेज पहन सकते हैं, नॉर्मल एवरीडे बेसिस पे भी पहन सकते हैं। एक ब्रांड है अमेजोन पे बाय द नेम लियोटूड एंड इस ब्रांड के जो ओवरसाइज टी शर्ट होते हैं ना काफी अफोर्डेबल होते हैं, क्वालिटी इनकी 7-8 out of 10 होती है बट दे आर सुपर अफोर्डेबल, तो उनके 3 टी शर्ट है मेरे पास। तो ये है एक ब्लैक कलर में, इसके ऊपर ना डिफरेंट स्माइली प्रिंट हो रखे हैं, लाइक यू कैन सी रेडिएट पॉजिटिविटी इसके ऊपर लिखा है, ब्लैक है, थोड़ी सी थ्रू है बट इतनी ज्यादा नहीं है, क्वालिटी इज लाइक 8 out of 10 एंड दिस वन इज इन साइज मीडियम, मुझे इस वाले ब्रांड का साइज मीडियम आता है, बाकी जो और ब्रांड्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, तो ना आप साइज चार्ट रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन फ्रॉम दिस ब्रांड इज दिस इन ऑरेंज कलर, ये वाला तो बहुत ही पॉपुलर सा टी शर्ट है, मैंने काफी लोगों को इंस्टाग्राम पे इस वाले टी शर्ट में देख रखा, इवन मैंने अपनी कजन को भी इस वाले टी शर्ट में देखा था। सो इसका जो ऑरेंज है ना बहुत ज्यादा तड़क धड़क वाला या ब्राइट सा ऑरेंज नहीं है ये, इसके ऊपर ग्रूवी लिखा है, स्ट्रेट ग्रूवी लियोटूड इसके ऊपर इसका लोगो भी है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका जो क्वालिटी होता है ना अच्छा होता है बट मैंने नोटिस किया कि लियोटूड के जो टी शर्ट की क्वालिटी होती है, पहले तो ऐसा हुआ था, पता नहीं अभी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया, तो कुछ वॉश के बाद में या फिर अगर मैं बैग यहाँ पे रखती हूँ ना तो काफी बार जो वो घिसता रहता है ना बैग चलने की वजह से, तो ना वहाँ पे थोड़े थोड़े से रोएं जल्दी आ जाते हैं इन कम्पेयर टू अदर जो ब्रांड के टी शर्ट्स होते हैं उनके, सो दिस इज अगेन इन द साइज मीडियम। नाउ द थर्ड टी शर्ट फ्रॉम दिस ब्रांड लियोटूड इज दिस वन, ये वाला मेरे ब्रदर को काफी पसंद आया एंड और भी मेरे फ्रेंड्स को ये वाला टी शर्ट ज्यादा पसंद आया। ये रेड कलर में बहुत ही सिंपल सा है, टच करने पे ना इसका फैब्रिक थोड़ा थिक सा है बट अगर इसे मैं लाइट के सामने रखूंगी ना तो आपको ये सी थ्रू सा दिखेगा,
इसके ऊपर ना ज्यादा प्रिंट नहीं, लाइक मेड बाय लियोटो लिखा हुआ है। मैं इसे बेसिक एंड सिंपल ब्लू जीन्स के साथ में स्टाइल करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कैजुअल ओवरसाइज का लुक देता है ये, अगेन आई एम इन द साइज मीडियम। सारे टी शर्ट बड़े डार्क डार्क से कलर में हो रहे थे, सो दिस वन इज वेरी प्रिटी सा सोबर एंड पेस्टल पिंक कलर में ये वाला टी शर्ट। ये वाला थोड़ा समरी से वाइब दे रहा है एंड इसका कलर बहुत ही प्रिटी सा है, लाइक यू कैन सी। एंड इसके ऊपर ना प्रिंट हो रखा है, फ्रंट में तो लिखा है गुड थिंग्स आर कमिंग, एंड बैक में ना इसके बड़ा सा प्रिंट है, लाइक यू कैन सी। मुझे बैक प्रिंट ना काफी पसंद आता है, इवन मुझे टी शर्ट में ना जो मिले है मुझे वो सारे ओवरसाइज टी शर्ट पसंद आते हैं एक्चुअली। सो इसके ऊपर प्रिंट है गुड टाइम्स आर कमिंग, इसे साइज मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में लिया, एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड डेनिम होलिक। बट अगर आपका साइज मेरे जैसा है तो देन गो फॉर स्मॉल और इधर मीडियम। ओके सो आई जस्ट रियलाइज कि ना मेरे पास ब्लैक कलर के टी शर्ट काफी सारे हैं, तो मैं दिखाती जाती हूँ ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं, बट लेट्स सी। ओके सो दिस वन इज अगेन फ्रॉम बियर्डो, इसके फ्रंट में तो बहुत ही छोटू सा प्रिंट हो रखा है, एंड देन बैक में ना इसके फेस लाइन प्रिंट है, देन स्क्रिबल सा हो रखा है, बीच बीच में कुछ कुछ लिखा हुआ है, आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट हैप्पी फॉर यू, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, फ्रंट से कुछ बैक से कुछ ही ऐसा है एंड फ्रंट से कुछ ऐसा है। जैसा मैंने क्वालिटी के बारे में बताया, क्वालिटी इज टॉप नॉच, बहुत ही कंफर्टेबल एंड ब्रीथेबल फैब्रिक है, कॉटन का है, सारे फैब्रिक कॉटन के ही है, गर्मियों के लिए तो बढ़िया है, आप कभी भी पहन सकते हैं वैसे ही से। ओके सो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इस प्रिंट का टी शर्ट कब ऑर्डर किया था, मैंने एक दूसरा टी शर्ट ऑर्डर किया था बट वो टी शर्ट मुझे कहीं नहीं दिख रहा, सो आई गेस उसकी जगह पे ये वाला टी शर्ट आया है। नॉनदलेस आई एम हैप्पी विद दिस टी शर्ट, लाइक यू कैन सी। इसके ऊपर जो ये प्रिंट है ना, आई गेस ये ट्रेविस स्कॉट है, काइली जेनर के हस्बैंड, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट दैट इनटू हॉलीवुड एंड इतनी ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसके बैक में कोई प्रिंट नहीं, बट जस्ट फ्रंट में इसका प्रिंट है, एंड इसका साइज मैंने मीडियम ले रखा है। ओके गाइस, सो दिस टी शर्ट इज फ्रॉम द ब्रांड रोडजेन, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मैंने इसे साइज मीडियम में ले रखा है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट, एंड इसके बैक में कोई प्रिंट नहीं है, सिर्फ फ्रंट में ही है, सामने से प्रिंट है, सॉर्टेड इसके ऊपर प्रिंट है। अगेन जो इसका प्रिंट है ना, इट्स नॉट लाइक वो सिंथेटिक वाला नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये ना फैब्रिक के अंदर में बिल्कुल घुल मिल गया, वैसा भी इसका प्रिंट नहीं हो रखा है। क्वालिटी इज नाइस, इट्स नॉट सी थ्रू एट ऑल, एंड इसे मैंने साइज मीडियम में ले रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू अदर फोर्थ टी शर्ट विच इज इन ब्लैक कलर। ओके गाइस, ये वाला जो टी शर्ट है ना, इट्स नॉट ओवरसाइज टी शर्ट वाला यूनिसेक्स वाला, बट दिस वन इज ओवरसाइज क्रॉप टी शर्ट, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही सिंपल एंड बेसिक्स है, बट मैंने इसे ब्लू कलर की डेनिम के साथ में पहना था, मुझे काफी अच्छा लग रहा था, एंड दिस वन इज फॉर जस्ट ₹299, एंड मेरा साइज आई गेस इसके अंदर मीडियम है। ओके हाँ, और ये ऑल्सो दिस वन इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड ट्रिलियन, जो मैंने आपको बताया था कि उसके ब्रांड को मैंने नया पहली बार ट्राई किया, एंड आई एम लविंग द क्वालिटी ऑफ दिस ब्रांड एज वेल। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव अनदर टी शर्ट, बट दिस वन इज इन दिस बबलगम पिंक कलर में, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जूनबेरी। जूनबेरी की भी कलेक्शन काफी अच्छी होती है, मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम से ना कभी भी रोजा रख के इतनी शाम में मैं फिल्म नहीं करूंगी, बिकॉज मुंह पूरा सूख चुका है, समझ नहीं आ रहा, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, मैं क्या बोलूं। आई होप कि ज्यादा बोरिंग सा नहीं हो रहा होगा। ओके सो ये वाला जो टी शर्ट है ना, लाइक यू कैन सी, ये बबल गम पिंक कलर में है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जूनबेरी। इसके अलावा साइज मैंने ले रखा है मीडियम, एंड द क्वालिटी इज नाइस, वेरी गुड क्वालिटी, एंड इसका अगेन फैब्रिक के मामले में आई एम वेरी कंसर्न। इसके ऊपर प्रिंट है अ नाइस डे, एंड बैक है समथिंग सम प्रिंट लाइक दिस, जूनबेरी ही प्रिंट है, डिफरेंट सिमेट्रिकल शेप में, आई गेस इसे सिमेट्री कहते हैं। ओके, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ करूं और उसमें गड़बड़ ना हो, लाइक मैंने एक टी शर्ट ये ऑर्डर किया, एंड एक नहीं, इसी सेम टी शर्ट को मैंने दो दो ऑर्डर कर दिया, दिस वन इज ओके सो नाउ दिस टी शर्ट इज फ्रॉम अगेन द ब्रांड रोडजेन, आई टोल्ड यू ये वाला ब्रांड भी काफी सही है, एंड मैंने इसे दो सेम टी शर्ट ऑर्डर कर दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था, बट लेट्स सी। इसका प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, सामने प्रिंट होता है, बैक में प्रिंट होता है, बट इसके ना नीचे बॉटम में प्रिंट है, यहाँ पे ये वॉलीबॉल बास्केटबॉल यार क्या कहते थे इसको, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कलर भी इसका डिफरेंट है, मेहंदी ग्रीन कलर है, इस कलर को मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया था। इसके ऊपर हॉप लिखा है, हॉप का की मीनिंग आई गेस कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कुछ, जो मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दीज आर ऑल द टी शर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon, एंड ऑल आर अंडर ₹399, बट मेरे पास दो और टी शर्ट है दैट आई वॉन्ट टू शो यू दैट आर नॉट फ्रॉम Amazon। इसी केवल जो टी शर्ट है ना, दे आर फ्रॉम NoFill.co, ये इनका मेन एजेंडा है टू मेक सस्टेनेबल क्लॉथिंग, जो कि अफोर्डेबल भी हो, ट्रेंडी भी हो, और इनके ज्यादातर कलेक्शन 599 से स्टार्ट हो रहे हैं। NoFill.co स्टैंड फॉर नो लैंडफिल, ताकि लैंडफिल ना जनरेट हो, और इनके जितनी भी कलेक्शन है ना, ये ऑर्गेनिक कॉटन से बने होते हैं, ऐसी कॉटन से बने होते हैं जो 90% लेस वाटर यूज करते हैं इन कम्पेयर टू रेगुलर कॉटन। इनके जो कलेक्शन है ना, बहुत ही ट्रेंडी से है, सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग सा कलेक्शन हो, इनका जो कलेक्शन है ना काफी ट्रेंडी एंड यूनिक प्रिंट एंड पैटर्न के इनके कलेक्शन है। सो दिस इज द टी शर्ट दे सेंट मी, सो इसके ना बैक में कुछ ऐसा प्रिंट है, एंड फ्रंट में स्कल है, दिस लुक सो कूल सो नाइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट, बहुत ही
बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रिंट है इसके ऊपर, इसका साइज मीडियम है। इनकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो मेक श्योर आप इन्हें एक बार जरूर चेक करें। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट एंड यू आर नॉट रेडी फॉर द बैक। So this is how it looks from the back. बहुत ही ब्राइट एंड प्यारा सा प्रिंट हो रखा है इस टाइप का, इतना भरा भरा सा प्रिंट मैंने ट्राई नहीं किया था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टाइल इट। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज टी शर्ट। एंड इनके साथ में ना मुझे ये पेपर मिला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइक यू कैन सी, आप रीड कर सकते हैं। इसे टियर करके मैं सो कर दूंगी तो इसके अंदर से एक प्लांट निकलेगा, मैरीगोल्ड प्लांट निकलेगा। सो थैंक यू सो मच नोपल डॉट को, आई टोटली लव बोथ ऑफ दीज टी शर्ट्स। एंड दिस वॉज ऑल ओवर दिस वीडियो। मेरा रोजा है, मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, सो इस वजह से मैं काफी ज्यादा ऐसे बात कर रही हूँ। सो दिस वॉज इट, टिल देन टेक केयर, बाबा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।